नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। बीजेपी चुनाव से पहले हर उस पुर्जे को दुरुस्त करने में जुट गई है जो उसे लोकसभा चुनाव में चोट पहुंचा सकता है। भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहले ये अहम बैठक हो रही थी। भाजपा का फोकस उन मुद्दों पर होगा जो जनता की जरूरतों को पूरा करें और भावनात्मक रूप से जोड़ें। मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा पर अलग से चर्चा होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी हुआ, जहां पे उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हुए, पदाधिकारी वहां मौजूद हुए और नरेंद्र मोदी ने हाथ हिला के सभी अपने कार्यकर्ताओं और जनता को अभिवादन स्वीकार किया। फिलहाल अभी कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, साथ में आज नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम आज होने वाला है दिल्ली में, इसको लेकर आपके पास ताजा जानकारी क्या है और बैठक में क्या ये बैठक आखिर इस बैठक को क्यों नरेंद्र मोदी आज उसकी अध्यक्षता में मौजूद हैं? देखिए मनीष, महत्वपूर्ण है बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक यहाँ पर है जी। और 16-17 दिन यहाँ पर बैठक रहेगी और बैठक के माध्यम से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को गुण बताया जाएगी किस तरह हमको आने वाले समय में 9 राज्य में चुनाव जो 2023 में है उसकी तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि अगर बात करें तो 3 जगह बीजेपी सत्ता में काबिज है, 2 जगह बीजेपी की समर्थित सरकार बनी है और 3 जगह बीजेपी के विरुद्ध सरकार बनी है, यानी विपक्ष की सरकार बनी है। तो एक जगह वहां पर YSR यानी तेलंगाना राज्य समिति की वहां पर जो पार्टी उसकी सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना यहाँ पर यह सोच रहा है कि जहाँ पर हम काम करना है, बेहतर रणनीति कैसे बनानी है, हमेशा चुनावी बोर्ड में रहती है, संगठन किस तरह मजबूत करना है, क्योंकि 9 राज्य में चुनाव और बेहतर तरीके लड़ते हैं और यहाँ पर बीजेपी को अधिक से अधिक सफलता मिलती है। तो कहीं ना कहीं सफलता का जो लाभ है वो आगामी आम चुनाव में यानी जो 2024 में होने हैं उस पर मिल सकेगा। तो कहीं ना कहीं महीष, यहाँ पर 9 राज्यों के चुनाव को बैठक तो है ही, इसके अलावा उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव होने हैं, उसकी रणनीति बनेगी, तो तमाम तरह के यहाँ चर्चा होगी। चूंकि यहाँ बड़े भव्यता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं को उत्साह दिखाने के लिए, जोड़ने रखने के लिए और एक बिगुल बजाने के लिए। हमेशा देखा जाता है जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो एक बिगुल की परंपरा भारतीय राजनीति में रही है, भारतीय युद्ध व्यवस्थाओं में रही है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बिगुल फूका है रोड शो के माध्यम से और जनता का अभिभावन ने स्वीकार किया है, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया है और एक पदाधिकारी जो वहां पहुंचे हैं उनके बीच में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मरीज एक स्फूर्ति बनना, उत्साह जगाना इस रोड शो का मुख्य उद्देश्य था। तो कहीं ना कहीं मनीष, चुनाव महत्वपूर्ण है, 9 राज्यों चुनाव होने हैं, उन चुनाव के माध्यम से बीजेपी आम चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करेगी। करो, आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी क्या दिशा निर्देश वहां पे दे सकते हैं, क्योंकि 2 दिवसीय बैठक है ये, उसके बाद इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, निकाय चुनाव भी इधर है और अगर बीजेपी के संगठन की बात की जाए तो बीजेपी संगठन इतना मजबूत संगठन है कि वो पन्ना प्रमुख तक जाकर, एक नीचे स्तर तक जाकर वहां पर भी जनता को अपने साथ जोड़ने का काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बैठक में क्या क्या निर्देश पीएम मोदी की तरफ से जारी किए जा सकते हैं अपने संगठन को लेकर? जी मैंने बिल्कुल, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर केवल एक उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर तमाम विषयों पर चर्चा होगी। ये विषय केवल और केवल यहाँ पर संगठन को लेकर नहीं है, यहाँ पर संगठन किस तरह मजबूत करना है, यहाँ पर हमने देखा है कि एक केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पर पन्ना प्रमुख बनता है। तो बीजेपी व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर वोटर लिस्ट के हिसाब से काम नहीं करती है, बल्कि एक पन्ने का प्रमुख बनाया जाता है जिसके अंदर में जो भी वोटर रहते हैं उनको साधना, उनको समझाना किस तरह है, उनको उनके उन तक सरकार की बात पहुंचाना, सरकार की उपलब्धि पहुंचाना, ये भी पन्ना प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और हमने देखा है कई चुनावों में, गुजरात में चुनाव होते वहां पर अमित शाह स्वयं पन्ना प्रमुख बने हुए थे। और कहीं ना कहीं बीजेपी में जो व्यवस्था है ये बीजेपी मजबूत करती है कि वहां पर बड़े से बड़े काम को भी छोटे छोटे कार्यकर्ता करते हैं और छोटे छोटे काम को भी बड़े से बड़े उनके पदाधिकारी करते हैं, और चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, सबसे महत्वपूर्ण बात बनी यहाँ पर है संगठन कैसे चलाया जाता है, रणनीति कैसे बनाई जाती है, 9 राज्यों का चुनाव है वो कैसे लड़ना है, वो आम चुनाव के लिए जमीन कैसे तैयार करनी है, ये मुख्य रूप से बैठक का एजेंडा रहेगा। इसमें गौरव, एक बात ये भी संज्ञान में आई है कि मुस्लिम महिलाओं को और उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी एक चर्चा होनी है, इस पे क्या बोलेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सभी दलों को एक सोचना है होगा कि यहाँ पर किस तरह आगे बढ़ना, पर बीजेपी की हमेशा सोच रहती है कि हम कैसे उन वोट बैंक को अपने तरफ खींचे प्रयास करें जिनकी आधी आबादी यानी महिलाओं की आधी आबादी है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो तमाम तरह के कानून भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई थी महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के लिए, चाहे 3 तलाक की बात करें चाहे हलाला कानून की बात करें। तो कहीं ना कहीं जो सोचने वाली बात यह है कि जो वर्ग है, जो महिला वर्ग है या जो आधी आबादी है खासकर मुस्लिम वर्ग की, उनको अपने पक्ष में कैसे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कई चुनाव हुए हैं वहां पर मुस्लिम
बल्कि महिलाओं ने खासा वोट बैंक वहां पर बीजेपी को मिला है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये सोच है सामाजिक सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर, उपलब्धियों को लेकर या मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको मारा जाए और किस तरह उनको आगे वाले समय में प्रतिनिधित्व दिया जाए कि वो भी आने वाले समय में बीजेपी के कंधे, बीजेपी के यानी बीजेपी की पार्टी के साथ काम करते हुए यहाँ पर मुस्लिम वर्ग को एक संदेश देना चाहेंगे कि हम आपके साथ हैं और हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम उसी नारे चलते हैं, हमारे सभी वर्ग बराबर है। गौरव, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभियान के तहत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अभियान का 25 मार्च तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जनसंपर्क कर जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद हैं। विभांशु, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, और आपको क्या लगता है कि इस प्रयास से जो वो प्रयास कर रही है कितना सफल होती आपको नजर आ रही है, और क्या जनता के दिलों में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ पा रही है? भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से 26 जनवरी और 26 मार्च यानी कि 2 महीने का एक अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। जी। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर के अंदर में समापन होगा, उसके ठीक बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से आपको पता है कि 2 महीने ये अभियान चलेगा। 26 जनवरी से जब अपने देश का संविधान लागू होता है, जिस दिन हुआ था उस दिन से, और 26 मार्च तक ये अभियान चलेगा जो कि 3 फेजेस में चलेगा, 3 फेजेस यानी 3 स्तर से चलेगा। अगर बात की जाए तो ग्राम स्तर पे, अगर मतदान स्थल पे साथ ही साथ ग्राम पंचायत स्तर पे अभियान चलाई जाएगी, तो अभियान के माध्यम से जो राहुल गांधी का संदेश है उनके लिखे पत्रों को उनके कार्यकर्ता लोगों के पास जाएंगे, वोटर्स के पास जाएंगे, चौराहों पे खड़ा होकर लोगों को बताएंगे, और साथ ही उनकी तरफ से जो मोदी सरकार की 8 साल की जो असफलता है जो राहुल गांधी द्वारा अभी हाल ही में पत्र लिखा गया है, उस पत्र को ये कार्यकर्ता घर घर ले जाकर और बताने का काम करेंगे। मतलब अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं देश के अंदर में सुर्खियां बटोरी और साथ ही साथ राहुल गांधी की छवि में इससे कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस पार्टी इसको भूले कहीं ना कहीं इस मामले में अभी देखे तो भारत जोड़ो यात्रा का जो सुर्खियों में है उसको कहीं ना कहीं अब अलग यात्रा से घुमाने की चाहत में अब हाथ से हाथ मिलाओ अभियान की शुरुआत की कर रही है। इस अभियान के माध्यम से जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस पार्टी की उसको वापस पाने की कांग्रेस की तैयारी है। जी विभांशु, क्या आपको नहीं लगता जब से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हुए हैं तब से पार्टी में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं? जहां इधर राहुल गांधी बराबर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हुए हैं और जनता के कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी भी मिल रही है, और उनका एक कांग्रेस पार्टी को लेकर एक नया नजरिया नजर आ रहा है। अगर बात करें प्रदेश की तो प्रदेश को में उनकी क्या स्थिति आपको इस समय नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस को अगर देखा जाए तो उनका जो संगठन है कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर अगर देखा जाए तो काफी कमजोर नजर था पहले, और अभी भी उस संगठन को मजबूत करने की कवायद बराबर की जा रही है, और भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में काफी होते सफल भी नजर आ रहे हैं, तो आपको अभी भी क्या कमियां इसमें नजर आ रही हैं कि क्या उनके जितना ये प्रयास कांग्रेस कर रही है क्या उसको फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस पार्टी के महज 2 विधायक हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर में बेहद कमजोर नजर आती है। अगर बात की जाए तो जयपुर के विधानसभा से अगर बात करें तो 2019-22 के चुनाव में आपने देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़की हुई लड़ सकती हुई नारी के तहत चुनाव लड़ा गया और लगभग 40-30 सीटों पर महिलाओं को उतारा गया, मगर इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। अब नए फैसले के तहत कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश के अंदर में अपनी धाक जमाने का प्रयास कर रही है। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर की यात्रा लगभग पूरी करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आम जनमानस के अंदर में संदेश दिया है, और अगर आपके साथ लौटे तो कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, सोनिया गांधी को अंतिम अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में नया अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया से चुना गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को नया अध्यक्ष
चुना गया। उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक नई ऊर्जा आती हुई दिख रही है, क्योंकि देखे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में अगर सवाल जवाब हो रहे हैं तो भी नेता बाहर आ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के जिम्मा संभालने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे अर्जुन के आने के बाद से बदलाव आए हैं। विभांशु, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कितनी मजबूत स्थिति में आपको नजर आ रही है? उनका संगठन क्या इस समय प्रदेश में मजबूती के लिए काम करता आपको दिखाई दे रहा है? ये एक जेन्युइन सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी बराबर भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से आओ हाथ मिलाओ यात्रा के अभियान पर निकल रहे हैं और दो महीने तक ये अभियान भी चलने वाला है, तो अब निकाय चुनाव भी सामने आ चुके हैं, उसके बाद 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो इस समय कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूती देने के लिए और उनका विश्वास हासिल करने के लिए जनता का कांग्रेस पार्टी पुरजोर लगा रही है। प्रदेश में उसकी स्थिति अभी क्या आपको नजर आ रही है? कितनी मजबूत स्थिति में आपको कांग्रेस इस समय दिख रही है या नहीं दिख रही है? जी, अगर बात करें तो हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त देते हुए और कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाती है, वहीं गुजरात में कहीं ना कहीं देखे तो कांग्रेस पार्टी का एक पैकअप का रिजल्ट रहा है। आम आदमी पार्टी वहां प्रमुख विपक्षी दल बन के उभरी और साफ तौर से अगर मनीष जी देखे तो कहीं ना कहीं अगर देखे तो कांग्रेस पार्टी को कोई भी जमीन है उसको पाने के लगातार प्रयास कर रही है। और बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा हाथ से हाथ मिलाओ से कहीं ना कहीं 2023 के अंदर में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव होने हैं। और बात करें तो अगर विधान परिषद के अंदर में तो महज 1 सीट कांग्रेस की है, तो वापस कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ताकत लगा रही है। वो आने वाले चुनाव में नतीजे के बाद साफ होगा कितना इन सब अभियानों का कितना फायदा हुआ, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो कांग्रेस पार्टी एक अगर देखे तो छोटी पार्टी के तौर पे यहाँ गिरी जा रही है, क्योंकि अगर देखे तो क्षेत्रीय दल जो है यहाँ के वो उनसे कहीं ज्यादा सीटों को पाकर यहाँ बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए मनीष जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और साथ ही 80 सीटों का लोकसभा है, 403 सीटों का विधानसभा है, तो कांग्रेस पार्टी को अगर सत्ता की चाबी चाहिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अब देखने में बात यह होगी कि निकाय चुनाव के अंदर में उनके दो विधायक उनका संगठन कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है आने वाले समय में देखा जाएगा। विभांशु, उस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग सिस्टम का डेमो दिखाया है। चुनाव आयोग ने प्रवासी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप के डेमो के लिए 75 राजनीतिक दलों के 8 नेशनल और 97 स्टेट पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर में और राज्यों में रहने वाला वोटर विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा, यानी वोटिंग के लिए मतदाता को अपने घर पे ही नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई जिसमें कि रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा होगी और उसका डेमो कराया जाएगा, ताकि जो लोग बाहर विदेशों में या देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं उनको किसी प्रकार से वोट डालने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग सिस्टम का डेमो दिखाया है। चुनाव आयोग ने प्रवासियों मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप के डेमो के लिए 75 राजनीतिक दलों और 8 नेशनल और 57 स्टेट पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उसका डेमो कराया, जिससे कि अलग राज्यों में या बाहर रहने वाले देश के जो नागरिक हैं उनको किसी भी प्रकार की मतदान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े और वो जहाँ हैं वहीं से अपने मत का प्रयोग करके अपनी संबंधित पार्टी को विजयी बना सकते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, प्रवासी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप का डेमो 75 जिलों और राजनीतिक दलों के साथ में
57 स्टेट पार्टियों के साथ प्रतिनिधियों को बुला के इसका डेमो कराया जा रहा है ताकि बाहर राज्यों या बाहर रहने वालों को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना करना पड़े और वो अपने मतों का प्रयोग कुशल पूर्वक कर सके। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए मनीष जी, आज निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पे जो बड़ी जो है विपक्ष लगातार जो है वो सवाल उठाते रहता था, तमाम तरह की बातें करता रहता था। कल मायावती ने भी अपने जन्मदिन के दिन जो प्रेस वार्ता की उस पर ईवीएम पे गड़बड़ी लेकर सवाल लगातार उठाया उन्होंने और शुरू से ही ईवीएम पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। इसी बीच ईसीआई ने एक डेमो दिया है रिमोट वोटिंग मशीन आरवीएम के लिए, ताकि जो प्रवासी लोग जो है अपने गांव शहर से दूर रहते हैं, कहीं दूर नौकरी करते हैं, जिनका पाचन करते हैं, उन्हें जो है चुनाव में वापस आना पड़ता है, वोट डालना पड़ता है, तो उनका काफी समय भी जाता है। इसके लिए एक अहम पहल जो है आज ईसीआई के द्वारा की गई है, जिसका डेमो दिखाया गया है। और ईसीआई ने इसके लिए कुल जो है 65 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा था डेमो दिखाने के लिए, जिसमें 8 राष्ट्रीय पार्टियां और 57 जो है वो रीजनल पार्टियां थी, जिसमें सभी को न्योता दिया गया था इस आरवीएम में डेमो दिखाने के लिए। इस सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि जो उपचुनाव होते हैं उनमें जो है हमेशा देखा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज काफी कम होता है। इस आरवीएम के आने के बाद जो वोटिंग परसेंटेज है, चाहे वो उपचुनाव की बात कर लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, और आने वाले समय में जितने भी चुनाव होने वाले हैं, आरवीएम के प्रयोग से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा, कि जो लोग किसी कारणवश अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने इलाके नहीं आ पाते थे वोटिंग करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, वो अब आके वो रिमोट कंट्रोल आरवीएम से जो है वोटिंग करेंगे और चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत है, मतदाता पर मत प्रतिशत है, उसमें काफी वृद्धि होगी। इसको लेकर रविवार को कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी और इस बैठक की अध्यक्षता दिग्विजय सिंह ने की थी, जिसमें इस बैठक में तकरीबन 16 राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो झामुमो हो गया, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस खुद इसमें शामिल थी, महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी हो गई, सबने जो है वो एकजुटता दिखाई और कई प्रश्न चिन्ह जो है आरवीएम पे भी खड़े होते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ईवीएम पर पहले ही लगातार विपक्ष हल्ला बोल रहा था, तमाम तरह की बातें कर रहा था और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी कई बाकी थी। दिग्विजय सिंह ने यहां तक भी कहा कि वो 31 जनवरी से पहले आरवीएम पर भी अपना पर्चे रखेंगे और 25 जनवरी को एक बार फिर सर्वदलीय बैठक करके इस पर अपना एक जवाब जो है वो ईसीआई को सौंपेंगे। कहीं ना कहीं विवेक, इस बात को बल मिलता नजर आ रहा है कि बराबर ईवीएम को लेकर राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल जो हैं कहीं ना कहीं जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले ईवीएम पे उंगलियां उठाना शुरू कर देते थे। ये डेमो इसलिए शायद किया जा रहा है कि भाई देख लीजिए आप डेमो, उसके बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया है उसको दे दीजिए, ताकि ईवीएम पे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए और आने वाले समय पर इस पर उंगलियां ना उठा जाए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी इन चीजों को लेकर आगे की सावधानियां बरतता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास कई बार शिकायतें भी गई, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे, मैनपुरी का उपचुनाव ले लीजिए, रामपुर का ले लीजिए या फिर कतौली का उपचुनाव लीजिए, समाजवादी पार्टी लगातार सरकार और ईसीआई पर हमलावर रही थी कि ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, और सिर्फ इस उपचुनाव में ही नहीं, इसके पहले भी जो चुनाव होते रहे, चाहे विधानसभा का हम चुनाव 2022 का ले ले, समाजवादी पार्टी अभी भी आरोप लगाती है कि बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए दिख रही थी, लेकिन जहां ईवीएम खुलना शुरू हुआ समाजवादी पार्टी जो है वो पिछड़ते हुए दिखाई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसके पहले भी जब नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में चुनकर आए थे तो भी ईवीएम में गड़बड़ी के लेकर तमाम शिकायतें भी की गई थी, लेकिन जहां विपक्ष हार जाता है वहां ईवीएम की शिकायतें करता है, लेकिन जहां विपक्ष जीतता है और अच्छी मार्जिन से जीतता है, चाहे हिमाचल हुआ चाहे वो दिल्ली हुआ, वहां पे वो ईवीएम का रोना नहीं रोता है। तो ये इन सबको चीजों को देखते हुए आरवीएम का जब डेमो दिखाया जा रहा था, तमाम जो है 65 राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, जिसमें 8 राष्ट्रीय दल थे और 57 जो है क्षेत्रीय दलों को भी शामिल किया गया था। तो इस डेमो को दिखाकर ईसीआई ने स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई प्रश्न, कोई प्रतिक्रिया आपकी होती है तो वो प्रतिक्रिया नोट कराए, अगर ये मुनासिब होगा तो सुधार किया जाएगा, तमाम तरह की चीजें इस डेमो में बातें भी की गई ईसीआई के द्वारा और विपक्ष ने भी अपनी बातें रखी। इसका आरवीएम का सबसे बड़ा फायदा मनी जी यह होगा कि जो प्रवासी लोग हैं, जैसे दिल्ली में बैठा हुआ बिहार का एक गरीब आदमी है, उसे जब वोट डालना होगा तो उसे बिहार आने की जरूरत नहीं होगी। मुंबई में कोई है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है या गुजरात में कोई है तो आरवीएम के सारे वो वोट कर सकता है। तमाम ऐसे गरीब मजदूर है जो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ऐसे समय में
वो अपने घर वापस नहीं आ पाते हैं, तमाम तौर पे रोजगार करते हैं, तो उनके लिए काफी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो आरबीएम की सहायता से ये वोट कर पाएंगे, अपने पसंदीदा सांसद विधायक को चुन पाएंगे, और इस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज होगा उसमें काफी इजाफा होगा। हमने देखा है कि कई बार उपचुनाव में काफी कम वोटिंग होती है, जिससे खामियाजा भी भुगतने मिलता है, लेकिन आरबीएम के आने से कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट में इजाफा होगा और लोग अपने मनपसंदीदा कैंडिडेट है उनको बड़े आराम से चुन पाएंगे। विवेक, बड़ी संख्या में मतदाता अपनी वोटिंग मतों का प्रयोग करने से चूक जाते थे, लेकिन इस वोटिंग मशीन के जरिए उनको कहीं भी रहेंगे, किसी भी राज्य में रहेंगे, बाहर भी रहेंगे, तो उनको अपने मतदाता जो उनका हक है उसको वो पूरा कर सकेंगे। फिलहाल विवेक, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों ने बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र का बाजार बंद रखने के कॉरिडोर का विरोध किया है। सेवायतों के परिवारों की महिलाओं ने मंदिरों के चबूतरे पर प्रदर्शन कर सरकार को कोसा। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि कॉरिडोर के नाम पर वृंदावन की संस्कृति और कुंज गलियों को नष्ट किया जा रहा है, जैसे इस किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण स्थगित नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने को हम मजबूर होंगे। बहुत ही गलत है, सब ब्रजवासी बहुत ही दुखी हैं। उन जिन्होंने, हम सब लोगों ने कितनी खुशी से उनको वोट देके अपने यहाँ का वोट दिया कि चलो हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा सोचेंगे, लेकिन ऐसी नहीं बताती कि हमारे घर ही टूट जाएंगे। अब उनको ये सोचना चाहिए। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है योगी मोदी जी से कि वो कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। बस उनसे यही हमारी प्रार्थना है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। ज़्यादा है तो मंदिर के आगे पीछे थोड़ी थोड़ी जगह है, उसको चौड़ा करके पूरा मंदिर की व्यवस्था की जाए। आज तक क्यों नहीं कोई मरा? आज हजार पचासों साल सौ साल हो गई, कभी कोई नहीं मरा। केवल जन्माष्टमी पे दो लोग मर गए तो बस उसी बात को लेके मुद्दा बन गया। कॉरिडोर का क्या मतलब है मुझे ये बताइए। कॉरिडोर अगर ये बन जाएगा तो ये वृंदावन क्या रहेगा? वृंदावन है कि बम्बई बोलोगे आप? इसको वृंदावन नहीं रहेगा। वृंदावन केवल कुंज गलियों की वजह से ही वृंदावन का प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो ठाकुर जी ने लीला करी है वो कहीं बाहर नहीं की है, केवल कुंज गलियों में ही की है। उसके लिए आपको कॉरिडोर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ये, और हमेशा से दर्शन होते हैं बांके बिहारी को कोई याद नहीं, तो व्यवस्था प्रशासन की गलती से ये हुई है, हमारी गलती से या गोस्वामियों की गलती से कुछ भी नहीं हुआ है जी। हम नहीं चाहते, हम बिहारी के चरणों में रहना चाहते हैं। बिहारी जी हमारे हैं, और हमारे इसी ने हमारे दो सीआरपी में बच्चे थे, दोनों चले गए आप देश की सेवा करते करते। अब हम कहाँ जाएं आप बताओ इतने बुढ़ापे में? हम यहीं पर रहना चाहते हैं। हमें माफ़ करो जो हमारी है, हम बहुत दुखी हो गए हैं, और हमारे सब बच्चे दुखी हैं और परिवार दुखी है। अब आप कहाँ जाएं जी बताओ है? बस यही आपसे अनुरोध है कि हमारा वृंदावन नहीं जाना है, हमारी ये कुंज गलियाँ नहीं जाना, कान्हा की नगरी थी। रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, बराबर उसका बहिष्कार किया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय निवासी भी उसका बहिष्कार कर रहे हैं। बाजार बंद करने की लिए कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से हम इस कॉरिडोर को बनने नहीं देंगे। इसको लेकर आपके पास ताज़ा जानकारी क्या है? जो कुंज गली है वही मथुरा का, और वो जो वहाँ की स्थान है वो कुंज गली। तो अगर कुंज गली को नष्ट किया जाएगा कॉरिडोर बना करके, तो कहीं ना कहीं मथुरा का जो अस्तित्व है वो खत्म होता नजर आ रहा है। लेकर के इनका विरोध चल रहा है, और जो मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने रविवार को एक बैठक की थी ब्रजवासियों के साथ में। वो बैठक में उनकी विरोध बताई जा रही है, क्योंकि ब्रजवासी अपनी बात पर अडिग है कि जो कुंज गली है इसको कॉरिडोर में ना बदला जाए। कॉरिडोर में बदलने से जो यहाँ का अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था पहले कि जो मंदिर का वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को ना छेड़छाड़ किया जाए उससे। हालांकि कॉरिडोर बनने से कहीं ना कहीं जो वहाँ पर करोड़ों भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उद्यान की स्थिति बनती है, उससे भक्ता मुक्ति होती है, और जो हादसे होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं बताया जा सकेगा। हालांकि कुंज गलियों में जो अब कॉरिडोर के नाते जो कुछ गलियां
जो हट जाएंगी उसको लेकर के वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और उसको खास तौर पर उन्होंने कह दिया है वहाँ के सांसद इस कॉरिडोर के लिए उन गलियों को नष्ट ना किया जाए। रितेश, मथुरा की अगर बात करें तो हम मथुरा की कुंज गलियों की बात करें तो कुंज गलियां तो पूरे मथुरा में हैं, लेकिन अगर कॉरिडोर की बात करें, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाता, विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद उसका जो सौंदर्य, जो ढांचा निकल कर आया तो वो बेहद खूबसूरत है, और अगर बाकी बारी मंदिर पे भी इस तरह का कॉरिडोर बन जाता है तो वो उस क्षेत्र के होगा, उस आसपास के क्षेत्र में होगा, पूरे मथुरा में नहीं होने वाला है। इससे भी जो है उसकी भव्यता बढ़ेगी, जैसे देश को विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर एक अमूल रत्न मिला है, वैसे एक मथुरा में भी बाकी बिहारी मंदिर को भी एक अच्छा स्थान मिलेगा, एक दर्शनीय स्थान हो जाएगा वो। लेकिन वहाँ के निवासियों को जो आपत्तियाँ हैं, आखिर आपत्तियाँ उनको किस वजह से हो रही हैं? ये क्या उनकी जमीन इसमें जाने का खतरा उनको नजर आ रहा है या कुछ और नजर आ रहा है, कोई कारण इसका? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है मनीष की, बिल्कुल उन गलियों में जिनकी दुकानें हैं, जिनके घर हैं या जिनके प्रतिष्ठान वहाँ पे पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉरिडोर बनने से प्रभावित होंगे, जिसको लेकर के ये बड़ा विरोध दर्ज किया जा रहा है। ये देखा जा सकता है कि कॉरिडोर बन जाएगा, वही इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, जिसे आप अभी बनारस वाराणसी में देखिए कॉरिडोर भी बना है। अब उसी तरह से अभी यहाँ पे जो मथुरा में बना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं 5 एकड़ में ये बनाने की पूरी तैयारी की गई है, और 5 एकड़ में 3 रास्ते होंगे, 3 रास्तों पे किस तरीके से वहाँ पर आने जाने की सुविधाएं रहेंगी, सब बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे बनेगी, किस तरीके से प्रदेश सरकार इसको करना चाहती है, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे जुटते हैं, कॉरिडोर बनने से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बनेगा, श्रद्धालुओं का केंद्र बनेगा, और आने जाने वालों को किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा कि भगदड़ मच जाती है, भीड़ जुट जाती है, इस वजह से यहाँ पे 3-3 रास्ते बनाए गए हैं, 5 एकड़ का ये पूरा एरिया हो रहा है इस पर, और 2 मंजिला ये जो कॉरिडोर होगा, तो कहीं ना कहीं आप यही सुलभ और बहुत ही आसान होगा दर्शन करने कर पाना वहाँ पर बांके बिहारी का, तो इसको समझ लेना चाहिए। हालांकि सरकार जो कदम उठाई है कम देर के लिए बहुत सार्थक कदम है, फिलहाल वहाँ का जो ब्रिजवासी है वो अपना विरोध इसलिए दर्ज करा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी दुकानें उनकी दिल्लियों में पड़ रही है, जिसकी वजह से पूरा विरोध बांके बिहारी मंदिर में जो कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए विरोध दर्ज करा गया ब्रिजवासियों की तरफ। रितेश, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना है, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।